हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स की क्लास में। बच्चों, इसके पहले हमने 8 तक सीख लिया था कैसे हम 8 को काउंट करते हैं और कैसे लिखते हैं, लिखने का हमने अभ्यास किया था। या ना आप लोगों ने घर पे, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग 9 सीखने वाले हैं। हम 9 कैसे काउंट करते हैं और 9 कैसे लिखते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले बच्चों, मैं आप सबको जो आपने पहले सीखा है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछूंगा, उसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस राइटिंग द डिजिट्स, मतलब अंक लिखने का अभ्यास करो। बच्चों यह तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड पे, लेकिन यही सेम चीज आपको अपने घर पर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1, इसका मतलब हमको बाकी के बॉक्सेस में क्या लिखने हैं, 1 1 1 लिखने हैं। जैसे आपने पहले प्रैक्टिस किया वैसे ही इसमें भी करना है। तो हमको शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ऐसे जितने खाली बॉक्सेस है बच्चों, इसके सामने 1 के सामने वहां पर 1 लिखेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एक तो राइटिंग अच्छी बनेगी और दूसरी बात हमको लिखने में और पहचानने में भी आसानी होगी। ओके बच्चों, सेकंड क्या है बच्चों, रीड करो। गुड, 2, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2, हमने डॉट्स मिला के लिखा था ना बच्चों, वेरी गुड। इस तरह हमको 2 लिखना है, 2 लिखने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो हमको इन खाली बॉक्सेस में क्या लिखना है, 3 लिखना है। वेरी गुड बच्चों, लिखते हैं हम लोग 3 कैसे, ध्यान दो आप लोग, डॉट्स मिलाकर हमने प्रैक्टिस किया था वही चीज हमको यहाँ पे करना है। 3 एंड 3। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों लिखा है 4, हमको खाली बॉक्सेस में बच्चों क्या लिखना है, 4, वेरी गुड, ये लिख दिया मैंने 4, क्या लिख दिया मैंने 4। ओके बच्चों, वैसे बच्चों हमको 5 6 7 8, 8 तक हमने सीखा है। तो आपको घर पे 1 2 3 4 का प्रैक्टिस घर पे अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखकर करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान देना आप लोग इधर, राइट नंबर्स इन ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ जो आपको देखो कुछ में नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ खाली है, यहाँ पे हमको क्या करना है, खाली जगह पे प्रॉपर नंबर लिखना है। पहले इसको हमको समझना है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 2 के पहले क्या आता है बच्चों, 1, वेरी गुड। तो जो हम पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी के आधार पर इसको हमको खाली जो है स्पेस है इसको फिल करना है, उसमें लिखना है। तो आप लिख लेंगे ना बच्चों। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, 2 के पहले क्या आता है बच्चों, वेरी गुड, 1 1 कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 2, 2 के बाद क्या आता है बच्चों, 3। ओके बच्चों, अभी हमने 3 लिखा ना, यहाँ पे देखो ऐसे ही हमको यहाँ पे खाली स्पेस में 3 लिखना है। 3 के बाद बच्चों 4, ओके बच्चों 4 देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, आपने प्रैक्टिस किया है ना, गुड। 4 5 6 6 के बाद बच्चों 7 7 कैसे लिखते हैं, याद आया ना बच्चों, वेरी गुड। 7 के बाद हमको क्या लिखना है, 8, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो खाली स्पेस था बच्चों वो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चों 8 तक हमने सीखा हुआ है और इसके बाद हमको 9 सीखना है आज। ओके बच्चों, आप रेडी हो, चलिए बुक में से हम लोग देखते हैं। बच्चों लेसन का नाम है अंडरस्टैंड एंड राइट 9। एकदम ऊपर ध्यान दो बच्चों आप लोग, ट्रेन की बोगी बनी है, जैसे आपके पिछले क्लास में देखो बच्चों 8 जब हमने सीखा था, 7 सीखा था, ऐसे ही बोगीज बनी थी। तो बच्चों उन्हें काउंट करोगे तो आपको कितनी बोगीज रहेंगी, टोटल 9। तो बच्चों ध्यान से इसको काउंट करना है, तो चलो स्टार्ट करते बच्चों काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
नाइन टोटल कितने बोगीज हैं बच्चों, नाइन बोगीज हैं बच्चों। यहाँ पे नीचे आ जाओ आप लोग, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नाइन। ऐसे ही हमें नाइन लिखना है आगे और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बगल में ध्यान दो आप लोग सब लोग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो तीन सर्कल्स बने, वन सर्कल टू सर्कल एंड थ्री सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल में बच्चों जो देखो क्या स्नेल्स बने हुए हैं, हमको क्या करना है स्नेल्स को काउंट करना है। काउंट करने आएगा ना बच्चों, वेरी गुड। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने स्नेल्स हैं, नाइन स्नेल्स हैं। वैसे बच्चों नीचे सेकंड सर्कल में ध्यान दो आप लोग, इसमें इसमें क्या बना हुआ है, कैप्स बने हुए बच्चों। कैप्स को भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और नीचे बच्चों थर्ड सर्कल देखो, ध्यान दो यहाँ पर बच्चों एम्प्टी सर्कल है, एकदम खाली है। यहाँ पर हमको क्या करना है, ड्रॉ 9 बीट्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कितना, ड्रॉ 9 बीट्स। इसके अंदर हमको 9 बीट्स ड्रॉ करने हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। चलो स्टार्ट करते हैं बीट्स ड्रॉ करना। 1, आपको अपने नोटबुक में पेंसिल से करना है बच्चों। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 9 बीट्स है। इन्हें फिर से काउंट करके चेक कर लेना बच्चों हमने प्रॉपर ड्रॉ किया है सही कि नहीं। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8 एंड 1 मेक्स 9। हमने 8 सीखा था, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9। 8 में 1 मिलाने पर 9 बनता है। ओके बच्चों, यहाँ पर नीचे फिंगर्स हैं। टोटल ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट हैंड में 5 फिंगर्स दिखाया हुआ है यहाँ पे, और सेकेंड में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स है। 5 के बाद 4 काउंट करो बच्चों, 5 के बाद 1 काउंट करें कितना था, 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने फिंगर्स हैं, 9 फिंगर्स है बच्चों। ओके नीचे तो बच्चों आपको समझ में आ गया 9 कैसे काउंट करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको आज करना क्या, होमवर्क में अपने नोटबुक में आपको 1 से लेकर 9 तक क्या करना है, लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैंने लिखा ना बॉक्सेस, ऐसे बॉक्सेस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। एक एक डिजिट जो है 10 10 बार लिखना है, 10 टाइम्स बच्चों। 1 1 1 1 10 टाइम्स, 2 2 2 10 टाइम्स, ऐसे ही आपको 8 तक जो है 10 टाइम्स लिखना है। ओके बच्चों, तो होमवर्क आपको कंप्लीट करके दिखाना है। कुछ होमवर्क मैं आपके लेसन के बाद में आपको दूंगा, उसे भी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों।